फॉर जैम किसान जैम और वट एवर जैम इज दिस हो गया सर राइट। तो ये सो मैसपैक का ऑलरेडी जो इवेंट है वो चल रहा है कि पैकिंग से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें हैं जो मिल जाती हैं। हमारे पास यहाँ पे सामने जो है वो यहाँ पर पैकिंग हो रही है। अगर हम लोग यहाँ देखें कि कोई चीज उठा के लाइक बॉक्स में रखना हो तो ये मशीन जो है वो काम करती है। तो गुड डे मैम। हाय, दिस इज स्नेहा फ्रॉम एसपैक, आई एम द मार्केटिंग मैनेजर हियर। ओके, थोड़ा सा मैम हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में वर्क क्या करता है। Before coming to this product, I'll just give you a brief of what we do. Okay. This pack is into flexible packaging. So be it any industry, wherever you are, be it home care, pet care, pharmaceuticals, confectionaries, we are into everything. And from primary to secondary to end of the line, we cover all of it. So this, what we are displaying here at PackMart, is a secondary packaging machine. This is a base packer which will give you anything from 100 to 150 cases per minute. And this will help you in minimizing your work, in minimizing your labor, in improving your output. यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स हैं, पैकिंग मशीन्स कह लीजिए आप या फिर रैपिंग मशीन कह लीजिए, यहाँ पे वो हर एक चीज मिल जाती है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक है ना, इस तरीके की बॉटल्स को इस तरीके से पैक होते हैं। सो इनका जो कनेक्ट नंबर है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखी काफी सारे स्ट्रॉज की पैकिंग हुई हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पे छोटे वाले जो कागज के आजकल फॉक जो पेपर वाले जो है आजकल के स्ट्रॉ चले हुए हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। प्लास्टिक की जो स्ट्रॉज हैं वो एक बारी अगर हम बात करें यहाँ से देख रहे हैं मशीन जो है वो पैकिंग करती है। ये पूरी मशीन इस तरीके से आती है और यहाँ नीचे रैपर दिए हुए हैं रैपर और पैकिंग होकर ये राउंड करके पूरा ऐसे मशीन जो है वर्क करती है। यहाँ पे मैनुअली भी हम लोग इनपुट जो है वो डाल सकते हैं। तो आप यहाँ जैसे मशीन का देख पा रहे हैं जैसे ये काफी सारी बोतल जैसे गई एंड इसके बाद जाने के बाद जो मशीन जो पीछे आप लोग देख रहे हो ये सेम वो वाली मशीन है जो काम करती है। यहाँ पे फिल्म होती है इसमें इस तरीके से वो पैकिंग हो जाते हैं, पूरा ये प्रोडक्ट जो है पैक हो गया एंड पैकिंग होने के बाद सील पैक हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे बॉटल्स हैं आप देख रहे हो, बॉटल्स रुकी हुई हैं फिलहाल, ऐसे करके छः छः बॉटल्स, नौ नौ दस बॉटल्स जैसे आपको करना है आप पैक कर सकते हो एंड पैकिंग के बाद एक्चुअल में जो है वो इस तरीके से रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इनका जो है वो कार्ड मिनी पैक का वो यहाँ पर है, अगर आपको इनसे कनेक्ट करना हो ना फॉर दिस मशीन सो यू कैन कनेक्ट विद देम। ये ऐसे पैकिंग मशीनिंग में और इस तरीके से रोल्स पैकिंग में काम करते हैं। यहाँ देख रहे हो आप बड़े बड़े जो ड्रम है वो भी पैक हुए हैं ताकि वो सेफ और साइड के लिए प्रॉपर ही रहे और यहाँ पे रोल भी पैक किया हुआ है, ऐसे बॉक्स भी पैक करे हुए हैं तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। सो ऐसे अगर आपने पैक का मेरा जो वीडियो है वो देखा होगा उसमें जो है पैकेजिंग में डील करने वाली काफी सारी कंपनीज होती हैं जो इस तरीके से पैकिंग आपकी बनाती है। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है पैकेज जो पैकिंग होती है वो बनाई जाती है, चाहे वो बॉक्स पैकिंग हो चाहे वो कार्टन पैकिंग हो। तो आप भी जो है इनसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर पैकेजिंग रिलेटेड थिंग्स। सो इनका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर मैंशन किया गया, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। हाई मैम, योर गुड नेम? My name is Nisha Vishwakarma. Okay. Can you please tell me कि ये किस लिए वर्क करती है? Basically, I think को कि कुछ मूव करना हो तो उसके लिए काम आती है ये। Yes. This is for conveying purpose and this is used in all automation sector. And if you want to turn any conveyor from 180 degree or 90 degree or एनी लीनियर कन्वेयर, जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी रहा तो हैवी से हैवी आइटम जो है वो ऐसे करके मूव कर सकते हैं 180 डिग्री पे। अगर आपको कोई अपनी लाइन टर्न करानी है देन यू कैन यूज दिस 180 डिग्री टर्न कन्वेयर। ठीक है, एंड अगर आपको केवल आपको 90 डिग्री टर्न लेना है हाँ, तो केवल आपको वो पोर्शन यूज आधा करना है। ठीक है, करके यू कैन टर्न योर कन्वेयर इन 90 डिग्री। तो इसका जो है अकॉर्डिंग टू लेंथ प्राइसिंग रहता होगा, yes, है ना? मिनिमम टू मिनिमम
अगर हम बात करें तो ये जैसे छोटा वाला है, इसका अराउंड कितना कॉस्टिंग आता है मैम लगवाने में? ये एक्चुअली मल्टीपल मल्टीपल वेराइटीज कॉस्टिंग वेरी करता है, ठीक है। एंड एक्चुअली डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ वेट यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन दैट समवेयर, ओके, एंड विच टाइप ऑफ डायमेंशन यू वांट, सो वेट एंड डायमेंशन अकॉर्डिंग टू दैट कोटेशन वेरी अकॉर्डिंग, ओके। एंड कमेंट ऑन कोटेशन एट दिस मोमेंट, ओके मैम। ओके, सो नेक्स्ट मशीन है इनके पास ये वाली, ये आई थिंक रैपिंग करती है मशीन मैम, एंड ऊपर भी जाता है स्पाइरल स्पाइरल, ओके। हमें डाउन से लेके अप मूवमेंट कराना है किसी भी प्रोडक्ट का इन पैकेजिंग कंडीशन और इन रॉ कंडीशन, तो वी कैन पुट मटेरियल इन इनफिनिट पॉइंट ऑफ दैट कन्वेयर, स्टार्टिंग पॉइंट से रखना से लेके, और यहाँ पर जैसे कि स्ट्रेयर्स होते हैं, एक्सकेलेटर होता है, इसको ऊपर लेके जाना है। yes. तो ये एक छोटा मॉडल बना हुआ है इसी का, अगर आप ह्यूज बिग मॉडल बनाना चाहें तो वो भी बन जाता है, और जैसे लेके कोई भी हैवी से हैवी मटेरियल लेके जाने के लिए। ये बेसिकली यूज होती है बेकरी सेक्टर में, या फिर जैसे वेयर हाउसेस होते हैं उसमें डाउन से लेके अब तक हमें कोई मूवमेंट कराना है, और हमारे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है कि हमारी को, हाँ, स्पेस का इश्यू है, हाँ, तो ये स्पेस कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए दिस इज स्पाइरल सिस्टम, जिससे कि हम लोग राउंड मूव कराए, ठीक है। तो दैट इज वेरी कूल आइडिया कि अगर आपके पास स्पेस का इश्यू है तो ऐसे करके आप जो है जो स्पाइरल वाले हैं लिफ्ट तरीके से आप बना सकते हैं। अभी जो है वो पेपर के स्ट्रॉस चल गए, चाहे वो कितनी भी कलर के हो, शेप्स के हो, छोटे हो, बड़े हो, आपको वो हर तरीके के जो है स्ट्रॉस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये देखिए कितने कलरफुल स्ट्रॉस हैं। हाय सर, हेलो, योर गुड नेम? विजय। विजय सर, आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आप किस चीज में डील करते हैं? बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि पेपर बैग्स एंड स्ट्रॉज है, काफी सुंदर है, और इवन आजकल जो प्लास्टिक चल रहा है वो बैन हो चुका है, तो आप थोड़ा सा बताइए। प्लास्टिक जैसे बैन हो गया तो वही उसी का अल्टरनेट प्रोडक्ट है, हम लोग पेपर स्ट्रॉज बनाते हैं जिसमें सभी साइज है हमारे पास, इको फ्रेंडली, या इको फ्रेंडली, और ये टेट्रा पैक स्ट्रॉज के लिए भी है, टेट्रा पैक्स के लिए भी है, और इवन बड़े साइजेस के लिए भी है, तो 4.7 mm, 6 mm, 8 mm, ऐसे 12 mm तक स्ट्रॉज बनाते हैं जो सभी बेवरेजेस में आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली पेपर बैग हम लोग बनाते हैं जो आपका फूड इंडस्ट्रीज में जाता है उसके लिए, ठीक है। तो सर जैसे आपको बल्क ऑर्डर देता है कोई पर्सन, तो कितना ऑर्डर आप लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 पीसेस दे सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली आपसे जो है वो होलसेल रेट पे खरीद सकते हैं आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है ये, अगर आपको इनसे कनेक्ट करना हो फिर रिगार्डिंग होलसेल प्राइस तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। मशीन बहुत ही सुंदर मशीन मैंने देखी, जो एक लिफ्ट ट्रॉली देख सकते हैं ना आप, ऐसे करके जैसे कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मूव करता है बनने के बाद, तो आप जितना भी चाहे वो लंबा बना सकते हैं। ये पैकिंग जो है वो मटेरियल को पैक करने में काम आता है। बेसिकली मेरे साथ सर है, योर गुड नेम? गुरविंदर जी। तो ये किसी भी टाइप की और कितने भी बड़ी पैकेजिंग कर सकता है, जैसे वो पीछे बड़ी वाली है? नहीं सर, उसके लिए मैम अलग मशीन है। अच्छा, वो अलग है, बड़ी वाली मशीन अलग है। तो इसके लिए ह्यूज वाली अगर पैकिंग देख रहे हो ना आप, यहाँ पर ह्यूज पैकिंग करनी हो, छोटी पैकेजिंग करनी हो, इनके पास सारी डिटेलिंग में है। पैकिंग वाले अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो इनका पहले भी मैंने जो है कवर किया था पैकिंग से रिलेटेड, ये बॉटल्स जॉय पैक इंडिया आपने देखा होगा, अगर महा पैक वाला जो पैक उसमें था, एंड आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। इनके पास बहुत सारे ह्यूज ऑप्शंस रहते हैं, काफी अच्छी वैरायटी रहती है। कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया है, तो अगर आपको भी इनसे पैकिंग से रिलेटेड कुछ भी मशीन का रिक्वायरमेंट पड़े, कैसी भी पैकिंग हो, ठीक है, उसके लिए आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको यहां पर ट्रॉली भी मिल जाती है सामान वगैरह ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए और आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। बुक्स को पैक करना है उसके लिए अलग पैकेजिंग है, ठीक है। बॉटल्स को पैक करना है, बैग्स को पैक करना है, सबके लिए अलग अलग वैरायटी है। तो जॉय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप निशा जी से बात करना चाहें तो इनका नंबर और बाकी डिटेल यहाँ दिया गया है, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो।
मैंने ऐसी मशीन्स बहुत सारी यहाँ पर देखी हैं, ठीक है, सेम एज इट इज काफ़ी सारी ऐसी मशीन्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो पैकिंग वाला, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट में देखा ना हो, लास्ट टाइम ना देखा हो, तो अभी आप देख लेना, पैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए कि पैकिंग में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। बाकी बेसिक यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ अभी फिलहाल कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पे मशीन्स हैं। सो चलिए आगे चलते हैं, मोर एग्जिबिटर्स बहुत सारे आगे एग्जिबिटर हमें मिलने वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे कि पैकेजिंग से रिलेटेड पैकमैक में क्या है। मैं यहाँ पर हूँ एक ऐसी कंपनी के साथ जो एप्लीकेटर में वर्क करते हैं, ग्लूइंग एप्लीकेटर्स। आपने देखा होगा जो बॉक्सेस होते हैं, कार्टन्स होते हैं, उनको सील करने के लिए कोई प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, आइए चलते हैं मेरे साथ और जानते हैं प्रॉपर डिटेलिंग में। हाय सर, योर गुड नेम? माय नेम इज प्रमोद भारद्वाज। ओके सर, थोड़ा सा आप डिटेलिंग में बताइए, है ना, अपनी कंपनी के बारे में। श्योर, वी आर बॉमर HHS, बॉमर इज अ स्विस ब्रांड एंड HHS कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बॉमर। HHS बेसिकली इज अ ग्लूइंग एडहेसिव डिस्पेंसिंग सॉल्यूशंस वी आर प्रोवाइडिंग। यू कैन से कार्टन सीलिंग फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस वी आर डूइंग वर्क। राइट, बेसिकली कंपनी जो है कार्टन को पैक करने के काम में जो ग्लू यूज होता है, ठीक है, एडहेसिव कहते हैं उसको, एप्लीकेटर्स, तो उसमें काम करती है। बेसिकली वो ग्लू नहीं है, वो कुछ और है, तो वो देखते हैं हम लोग कैसे एप्लीकेटर्स है, दिस आर द गन्स जो ग्लू डिस्पेंस करते हैं। अच्छा, लाइक दिस, ओके, ये कार्टन सीलिंग आप बोल सकते हो इसको। ग्लू विल डिस्पेंस ऑन द साइड लॉक्स ऑफ दिस कार्टन, ओके, और अपने आप वो फिक्स हो जाता है। या आफ्टर प्रेसिंग इट विल गेट फिक्स एंड केस इज नाउ सील्ड, राइट। यू कैन सी ये यहाँ पे ग्लू हो गया, तो ये जो डिस्पेंस हुआ है, फॉर दैट आवर HHS सिस्टम इज वर्किंग हियर, राइट, ओके, यस। एंड इससे हम लोग चाहे बड़ा हो छोटा हो पैकिंग, कोई भी पैकिंग हम लोग कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ पहले जो है वो टेपिंग यूज होती है, पैलेटाइजेशन स्टेबलाइजेशन हमने किया है, दो बॉक्स के बीच में यहाँ पे हम लोग ग्लू डाल सकते हैं, हॉट मेल्ट स्प्रे किया हुआ है, ठीक है। एक है कि जो श्रिंक यूज करते हैं प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक विच इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट, राइट, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, वो कहीं खिसकेंगे नहीं, है ना, खिसकेंगे इवन आफ्टर 30-35 डिग्रीज रिक्लाइनर्स, एंड यू कैन यूज, हाँ वो टिल्ट हुआ हुआ है ना पूरा देखो, एंड तो उसके बावजूद भी ये जो है वो गिर नहीं रहा है, और टिल्ट के बाद भी, तो ये दैट इज वेरी कूल आइडिया। इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारी मशीन्स है, जैसे ये वाली, ये किस काम आती है सर? विजन इंस्पेक्शन सिस्टम है, ये स्मार्ट कैमराज हमारे पास हैं, इंडस्ट्रियल कैमराज हैं। फॉर दिस प्रोडक्ट लाइक फ्रूटी है, अगर आप यहाँ जूम इन करेंगे तो ये बैच नंबर और ये एक्सपायरी डेट जो भी दवाइयों पे फ्रूटी पे किसी भी चीज में लिखा है उसको इंस्पेक्ट करवाना है, ठीक है, और अगर वो हमारे इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट ओके है तो हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ओके, तो ये बिन में चला जाता है, अच्छा, वेस्ट में, राइट, अच्छा। आफ्टर दैट वी डू हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन्स, राइट, दिस मल्टी हेड्स, वो हमने वहाँ पे जो देखा इस टाइप का सिंगल यूजर था वो, ठीक है, ये मल्टी हेड्स है फॉर बिगर बॉक्सेस, बिगर बॉक्सेस, ठीक है। देन वी डू हैव हियर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर, वी हैव लॉट ऑफ रेंज इन सेंसर, वी हैव मेनी टाइप ऑफ सेंसर एज वेल, या दिस इज सेंसर्स, दिस इज आई मार्क सेंसर, दिस इज अल्ट्रासोनिक लेवल, तो ये बेसिकली किस लिए होता है सर? डिफरेंट एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट मशीन के लिए आप ये सेंसर बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसके अलावा सर, वी डू हैव प्रोसेस सेंसर, ये लेवल सेंसर है हमारा फॉर डिफरेंट मीडिया, लाइक ये शुगर में भी यूज होगा, चाय पत्ती, चॉकलेट, आप आसानी से चीजें लिंक कर पाएंगे, तो अभी क्या पता लगता है सर? ये फॉर एग्जांपल अभी हमारा किसी प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, इसका मेन चीज क्या है, इसका मेन चीज है कि ये शुगर में है, ये अगर इसके ऊपर डिपोजिशन भी हो जाता है तब ये ग्रीन लाइट है, इट मीन्स ये अभी NO है, ठीक है, तो आपको रॉन्ग सिग्नल ये नहीं देगा, जैसे ये प्रोडक्ट के अंदर जाएगा तब ही ये ऑन होगा, ठीक है। अभी हम प्रोडक्ट में कर रहे हैं, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, तो बिल्कुल राइट करेक्ट सिग्नलिंग आपको देगा ये, फॉर जैम, किसान जैम और वट एवर जैम इज दिस, ब्लू हो गया सर, राइट। बेसिकली ये क्या बताना चाहते हैं आप इससे? ये बताना चाहते हैं कि ये टैंक में लगता है, फॉर एग्जाम्पल बड़े वाले दूध का टैंक है, पानी का टैंक है, हाँ जी, तो इस
इसको लेवल लो पे लगा देंगे, लेवल हाई पे लगा देंगे। अच्छा, अगर लेवल लो के नीचे जाएगा तो सिग्नल देगा, टच होगा। अच्छा ठीक है, मोटर ऑफ हो जाएगा, राइट, प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ओवरफ्लो नहीं होगा, तभी मोटर बंद कर देगा। अच्छा, तो बेसिकली गाइस ये भोसले है कि बड़े बड़े टैंक्स में लग जाता है ये सेंसर, और जैसे ही वो टच होता है ना मटेरियल के साथ तो वहीं पे स्टॉप हो जाती है मशीन, जैसे कि हमारी पानी की टंकी। यस, राइट, एक शॉर्ट वेजर समझा दिया मैंने पानी की टंकी वाला, है ना। तो ऐसे ही बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं उसके लिए होता है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, ये किस लिए होता है सर? ये एनकोडर्स हैं, इंक्रीमेंटल एनकोडर, इंडस्ट्रियल एब्सोल्यूट एनकोडर, मैग्नेटिक बेयरिंग लेस एनकोडर्स हैं, और डिफरेंट एप्लीकेशन। बेसिकली ये जहां पे भी हमारा पोजीशन हमें चेक करनी है, डिस्प्लेसमेंट कहीं हुआ है, उस चीज के काम आता है। बेस्ट एग्जांपल इज लिफ्ट। जब आप लिफ्ट में बैठते हो तो एक स्टार्ट होती है लिफ्ट, उस टाइम पे एब्सोल्यूट एनकोडर काम करता है। उसके बाद में जब वो स्पीड बढ़ती है तो वो इंक्रीमेंटल आ गया, फिर उसके बाद जब एब्सोल्यूट का काम आता है, जब उसको आपको फ्लोर टू फ्लोर बिल्कुल जीरो जीरो मैच करके रुकना पड़ता है। हाँ, तो वो एब्सोल्यूट दोनों एनकोडर। अच्छा, तो वो भी आप बनाते हैं। अच्छा, तो जो भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, जो मैन्युफैक्चरर ये है, ठीक है, हर एक चीज के लिए, सेंसर्स के लिए, लिफ्ट के पार्ट्स के लिए, या फिर और अदर सेंसर मशीन्स, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो है कनेक्ट कर सकते हो, एंड सर का भी कार्ड है, सर का भी कार्ड मैं आपको बता देती हूँ, आप सर से भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके गाइस, तो मैं हूँ यहाँ पे गजानन, एक बहुत ही सुंदर कंपनी है, ठीक है, ओम गजानन पैकेजिंग। या गुड डे मैम। संजीता बिस्मिल। ओके मैम, आपकी जो कंपनी है वो बेसिकली किस किस चीज में डील करती है? उनका जो हम पैकेजिंग है, ओजीपी टेक जिस नाम से हम कंपनी चलाते हैं, वी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एल सीलर, टनल, चेम्बर, ऑटोमेटिक मशीन, और कुछ मशीन हम ट्रेड करते हैं जैसे ऑटो एल सीलर, वैक्यूम पैक, चेक वेस, श्रिंक पैकेजिंग एंड वर्टिकल फॉर्म फिलिंग, और हम बड़े प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं, जैसे फिलिंग लाइन्स के लिए भी हम काम करते हैं। ओके ओके, पैक हुआ है वो एज इट इज रहे, आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स या और है वो सील पैक्ड रहे, तो दैट इज वेरी कूल। सो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर इन्होंने मशीन के सेटअप्स हैं इनके पास, एंड इनकी जो कंपनी है वो ये है। हम लोग बात करेंगे ये किस चीज में डील करते हैं। बेसिकली ये सारी प्लास्टिक की जो भी पैकेजिंग से रिलेटेड चीजें होती है ना, उसके अंदर ये लोग डील करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे सर है। हेलो सर, यू गुड डे। संतोष, व्हाट आर यू डीलिंग इन? मैडम, हम लोग जो डील कर रहे हैं डायनामिक्स मशीन से, कंपनी का नाम। हाँ जी। एंड वी डील विद पेट्रोलिंग मशीन, फिलिंग मशीन, श्रिंक रैपिंग मशीन एंड और लेबलिंग मशीन, पीओपी। सारी मशीन में काम करते हैं। जो आपको पानी का लाइन में जो चीज मांगते हैं उसका पूरा मशीन, पानी वाला, बॉटल्स की अकॉर्डिंगली, लाइक जो भी रहता है वो सारा। जूसेस की बॉटल्स वगैरह भी है? जूसेस का बॉटल, सोडा बॉटल्स, सारी, तेल का बॉटल भी, मतलब वो एक लीटर दो लीटर का तक बना सकते। हाँ, तो बॉटल से रिलेटेड जितनी भी काम होगा वो आपसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये मशीन आप सेल करते हो या फिर बना के सप्लाई करते हो? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टोटली बॉटल सप्लाई करते हो आप, राइट सर? हम लोग मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अच्छा, क्लाइंट मशीन को लेके जाके उसमें से अपने आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, वो अपने जो कस्टमाइज कराना है, जैसी बॉटल उनको चाहिए उसकी मशीन आपसे बाय कर सकते हैं, है ना। मतलब वो लोग को जितना जो साइज का बॉटल्स बनते हैं उसका डाई हम लोग बना के देते हैं। ठीक है, तो आपका सर बहुत पुराना कंपनी है? ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए। 20 इयर्स हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी इनसे कनेक्ट करना हो फॉर मशीन, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आपने जितने भी कंटेनर्स देखे होंगे आज तक, ठीक है, उस कंटेनर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको पता है कि कुछ ना कुछ यूज किया जाता है, ग्लू करने। माय नेम इज गणपति हेगड़े, आई एम अ बिजनेस मैनेजर, आई एम बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। एज यू नो, पिडलाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वी डिवीजन ऑफ अ पिडलाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बिकॉज वी मेक, वी आर एन एक्सपर्ट इन हॉट मेल्ट, वेर वी हैव अ हॉट मेल्ट फॉर ऑल द एप्लीकेशंस अक्रॉस द इंडस्ट्री, फार्मा, पेपर, एडिबल ऑयल, range of support, and our team of people across India which gives a technical support, and we also work with the big corporates for to support the their process improvement. ओके, तो उसके लिए बेसिकली जो है ये वाले जो आपने यहाँ मटेरियल रखा है ये यूज किया जाता है। कैन वी चेक दिस कि ये कैसे यूज होता है? बेसिकली ये क्या चीज है सर?
यही वो होता है. दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड फेविकॉल SA57LF. ओके. दिस इज प्रोडक्ट विच इज HMPSA इन नेचर. अच्छा. दिस प्रोडक्ट मेनली यूज इन फार्मा एंड वेयर देयर इज अ पीलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. पीलेबिलिटी मीन्स इट होल्ड्स एन टू सबस्ट्रेट टूगेदर. अच्छा. यू पील इट ऑफ तो वो निकल जाएगा. इट कम्स विदाउट टैरिंग द पेपर. वाओ. मेनली दिस इज अ रिक्वायरमेंट इन फार्मा इंडस्ट्री फॉर द लीफलेट अटैचमेंट. हाँ जी. और ये सेफर साइड के लिए भी बहुत अच्छा रहता है. और सर ये क्या है इसमें? दिस इज द नॉर्मली मेटलोजिन बेस्ड हॉट मेल्ट है. अच्छा. दिस प्रोडक्ट इज मेनली यूज इन एंड ऑफ लाइन एप्लीकेशन फॉर सीलिंग द कार्टन्स. अच्छा. कोरोगेटेड बॉक्सेस इन द सेंस व्हाट वी कॉल इट द शिपर कार्टन्स रैप अराउंड एप्लीकेशन. हाँ जी. ये सारे बॉक्सेस को करने में. और इवन ये वाले बॉक्सेस भी इसी से होते हैं सर? दिस इज मैडम मतलब दिस एंटायर इंडस्ट्री इज कॉल्ड एन असेप्टिक एप्लीकेशन. अच्छा. दिस कैप इज फिक्स्ड ऑन दिस ब्रिक. हाँ जी. हॉट मेल्ट एडिशन. ओके. दिस इज द हॉट मेल्ट यूज. ओके. सेम. दिस इज एक्चुअली वी हैव फ्रॉम एन आर टेक्निकल कोलाबरेटर इन जर्मनी कॉल्ड जो वाटर. ओके. बेस्ड आउट ऑफ डॉर्टमुंड इन जर्मनी. दे मेक वी आर द लाइक नो डिस्ट्रीब्यूटर एंड वी आर टेकिंग द इंडिया. यहाँ पर उनका नंबर मैंने शो कर दिया है. एंड सर नाइस टू मीट यू. इवन आपका नाम बहुत यूनिक है. थैंक यू सो मच. सर अगर आपने पुराना मेरा पैक प्लस का वीडियो देखा हो उसके अंदर मैंने ऐसे बॉटल्स के आपको पूरे जो नॉलेज है कैसे ये बनता है कैसे डिजाइन करवाया जाता है. अगर आपको भी इनसे कनेक्ट करना हो तो मैं इनका नंबर आपको शेयर कर दूंगी. आपको प्रॉपर डिटेलिंग में पूरी बॉटल्स किसी भी तरीके की किसी भी शेप की बॉटल्स अगर आपको चाहिए तो जार चाहिए जार से रिलेटेड चाहिए कुछ इस तरीके से पैट बॉटल्स हो गई है पैट बॉटल्स हो गई कैसा भी आपको चाहिए तो आप इनसे जो है कनेक्ट कर सकते हो. सो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं यहाँ पे शो कर दे रही हूँ. अगर आप भी इनसे कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हो. सो यहाँ पे एसएसपी पैकेजिंग की भी बहुत ह्यूज मशीन्स हैं जो लगी हुई हैं. इसके अलावा यहाँ पे ग्राउंड स्पोर्ट के लिए देखिए सेम वही वाली जो सेकंड वाले हॉल में है मशीन्स हैं. सो गाइस देखते चलिए. वैसे तो देखूँ तो मैं वो सारी मशीन्स आपको कवर कर चुकी हूँ. ये एयर कंडीशनर है पैनल्स के लिए जहाँ पे जो मशीन्स होती है वो वहां पर लगाए जाते हैं. ठीक है. इसके अलावा ह्यूज बिग वन मशीन्स होती हैं जिसमें बॉटल्स भरी जाती है ये वो वाली मशीन हो गई. ठीक है. एंड सेम ऑलमोस्ट सबके पास ऑलमोस्ट एक जैसी मशीन्स हैं. ये वैक्यूम क्लीनर हो गया या फिर सर्फेस क्लीनर है क्लीनिंग के लिए जो यूटिलेंसेज है वो सारे सारे पाइप्स हो गए वाटर पाइप्स हैं. सो मैंने यहाँ पे देखी ना एक बहुत ही सुंदर छोटी छोटी जो हनी की पैकेजिंग है. एंड यहाँ पर सैनिटाइजर अगर आपने देखा हो बहुत अच्छे छोटे छोटे सैनिटाइजर आजकल यूज हो रहे हैं देने के लिए. ठीक है. बाकी फॉग हो गया या फिर ये जो कि स्ट्रॉज हो गए तो ये जो कंपनी बनाती है उनसे हम बात करते हैं सर से जानते हैं. हाय सर यू गुड नेम. सर अपना कंपनी का इंट्रो दीजिए थोड़ा सा. हम लोगों के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए. वन टाइम यूज सैनिटाइजर सैशे हनी सैशे. हाँ ये वन टाइम यूज होते हैं रेलवे में एयरलाइंस में होटल इंडस्ट्री रेस्टोरेंट्स में. इसके अलावा हमारी पेपर स्ट्रॉज की मैन्युफैक्चरिंग है और टेट्रा पैक्स एंड रेगुलर ड्रिंकिंग स्ट्रॉज मेनली फॉर रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज एंड होटल. ओके. सो सर का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ. सर से अगर आपको कनेक्ट करना हो इस तरीके की पैकेजिंग से रिलेटेड कोई थिंग्स के लिए तो सर से आप कनेक्ट कर सकते हो. थैंक यू सर. सो मैं हूँ यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है गोमा. एंड गोमा की जो फीचर्स हैं एंड कंपनी क्या प्रोवाइड करती है ये एक बेसिकली बहुत बड़ा सा एक प्लांट है जो मेरे सामने है. थोड़े से डिटेलिंग में जानेंगे हम लोग इनसे. हाय सर. हेलो. हाय. हेलो एवरीवन. सो वी आर फ्रॉम गोमा प्रोसेस टेक्नोलॉजी. वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 40 इयर्स इनटू जूस डेयरी एंड फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन. सो एज यू कैन सी द ट्यूबुलर पैस्चराइजर विच इज यूज इन जूस द कैपेसिटी ऑफ द पैस्चराइजर इज 3000 लीटर पर आवर विच इज यूज फॉर जूस मैन्युफैक्चरिंग. वी हैव डन प्रोजेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ अवर क्लाइंट्स लाइक डाबर रिलायंस पार्ले पेपर बोट पेप्सी
If anyone is interested to do project or new startup in juice, dairy or any segment, they can contact us. We will surely help them and proceed them with the installation, commissioning and the branding of their new startup. So, ye jaise main juice yahan par dekh rahi hu, ye sab aapi ki company ne bana ke inko provide kiye gaye hain. Yes, yes. That is very cool. Ye aajkal bahut zyada chal raha hai trend mein, even bachchon ke liye bahut acha hai. Brew ho gaya, tender coconut ho gaya, ya fir ye wali jo company Rio, ye aajkal aa rahi hai market mein, mil bhi rahi hai, branded mil raha hai. To basically aap jo hain aur bhi cheezon mein deal karte hain, maine yahan par dekha. Yes, हम केचप, मायोनीज और मिल्क सेक्शन में जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं उनका सभी का प्रोसेसिंग और पूरा प्रोसेसिंग प्लान के साथ उनका ब्रांडिंग, उनका फॉर्मुलेशन सभी चीज करके. तो आप ये वहाँ पे सेटअप लगा के देंगे या फिर आप खुद से अपनी प्रोडक्ट बना के उनको देंगे? हम पूरा सेटअप लगा के देंगे. ओके, आप पूरा सेटअप लगा के ए टू जेड रेडी करके उनको दोगे जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहेगा, है ना? दैट इज वेरी कूल. है उनका जो नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, गोमा कंपनी से है. अगर आपको भी इनसे कनेक्ट करना हो तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो. थैंक यू. अगर आप ये देख रहे हो, ये बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है, ये कॉम्पैक्ट का लगा हुआ है. और ये वाला जो है वो है फॉर बलोइंग पेट बॉटल्स. पेट बॉटल्स होती है ना ये छोटी वाली, इसको प्लास्टिक पे पहले बनाया जाता है, देन उसके बाद उसको पंप किया जाता है, फुलाया जाता है ताकि उसके अंदर मटेरियल जो है वो फील आउट हो सके. ठीक है, पेपर बैग्स हो गए, पेपर्स किस हो गए, प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए. ठीक है, यहाँ पर मशीन्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स है. लाइक यहाँ पर देखो बॉटल्स जो है बन रही हैं. इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये काफी बड़ी मशीन है. ठीक है, गो फास्ट की. तो petplastic.com पे आप कनेक्ट कर सकते हो. बाकी ये वाली काफी सारी यहाँ पर कंपनी ऐसी हैं, एमडी ग्रुप्स हैं. ठीक है, और यहाँ भी पेट बॉटल्स का ही लगा हुआ है. सामने जो है एग्वा प्योर का जो है वो फिल्टर जो पानी को फिल्टर करने में काम आते हैं, वो उसकी कंपनी है. इस तरीके से कंटेनर्स मिल जाते हैं, जार मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी ह्यूज मशीन्स होती हैं, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है ना. ठीक है, कोर प्रोडक्ट्स जो है वो इनके ये हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. और इसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट्स और चीजें यहाँ पर हैं, ये पूरा राउंड में है, बड़ा ह्यूज में बना हुआ है. जो ह्यूज प्लांट्स होते हैं ना, बेसिकली ह्यूज प्लांट्स में जो आर ओ के प्लांट्स होते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन, तो वहाँ पे कैसे काम होता है ये मैम है, मैम से जानेंगे प्रॉपर डिटेलिंग में. हाय मैम. हाय, हेलो. आई एम गुड नेम फ्रॉम अल्ट्रा ब्यूटी टेक्नोलॉजी एंड आई एम मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट हेड फॉर द कंपनी. लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू ऑल टू अवर सिस्टम. This is our SWRO system, which is called as sea water reverse osmosis. We convert sea water into usable thing due to the through this equipment. This equipment is for 20 meter cube plant. Then ये sea water के लिए होता है guys. मैं आपको बताना चाहूंगी, जो समुन्द्र का पानी होता है उसको जो है यूज करने के लिए बनाया जाता है, ताकि वो यूज किया जा सके किसी और चीज में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. This is our ultra filtration system. This also disinfects the water completely. And again, it is the same thing, but this is not for sea water. This is for regular water, which gets completely disinfected and can be used for food and beverage as well as aquaculture. अच्छा, तो ये हमारे boring water वगैरह भी use हो जाएगा, सिर्फ tap water हो गया, ये सब चीजें जो normal आजकल चल रहा है वही मैं समझ. Convert boring water for drinking water. Drinking water as well. तो पानी पीने के लायक हो जाता है. और वो वाला पानी किस लिए होता है? That is for sea water. You can utilize it for your beverage. अच्छा, वो भी यूज कर सकते हैं बेवरेजेस के अंदर. फॉर ड्रिंक डायरेक्टली ड्रिंक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंज्यूम करना हो तो उसके लिए यूज कर सकते हैं. उसके बाद ये किस लिए आता है? नाउ दिस इज MGF, दैट इज कॉल्ड मल्टी ग्रेड सैंड फिल्टर. इसमें जो सैंड होती है ना, उसके थ्रू जो है पानी का फिल्ट्रेशन होता है. दिस इज एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर. इसमें कार्बन होता है, 1% कार्बन इज देयर व्हिच इज यूटिलाइज. ओके, जिससे ये सेकेंड स्टेज का फिल्ट्रेशन होता है पानी का. ओके, एंड थर्ड इज IRF, विच इज कॉल्ड एज आयरन रिमूवल फिल्टर. इसमें पानी में जो आयरन की जो भी ये होती है ना, वो पूरी निकल जाती है. अच्छा, बिकम यूजर. तो गाइज मैं बताना चाहूंगी, इसमें भी थ्री टाइप के फिल्टर चलते हैं. पहला वाला फिल्टर है मल्टीग्रेड सैंड फिल्टर. पहले सैंड से किया जाता है, फिर एक्टिवेट चारकोल फिल्टर होता है, वो होता है.
देन इसके बाद आयरन रिमूवल फिल्टर होता है, फिर उससे रिमूव किया जाता है। देन उसके बाद हम जो इस वाले पानी को यूज करते हैं, मैम वो किस लिए करते हैं? दिस इज ऑल्सो यूज फॉर फूड एंड बेवरेज और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अच्छा, फॉर डायरेक्ट कंज्यूमेशन के लिए नहीं है? हाँ, डायरेक्ट कंजम्पशन ऑल्सो, बट देन द लेवल विल बी अलग। ओके, तो मैम स्मॉल प्लांट से लेकिन बिग प्लांट में आप लोग डील करते हो? अगर किसी को स्मॉल वन डील इन ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टिल 100 मीटर क्यूब एंड मोर देन दैट एज वेल। ओके, एंड वी गिव ऑल सॉल्यूशंस इन द वाटर लाइक वेस्ट वाटर, वाटर ट्रीटमेंट, वी हैव आरओ, वी हैव एसटीपी, वी हैव डब्ल्यूटीपी, वी हैव एसडब्ल्यूआरओ, बीडब्ल्यूआरओ, यूएफ, एनी काइंड ऑफ आरओ रिलेटेड। आपको अगर डील करना हो तो मैम से आप कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज वैष्णवी एक्वाटेक। ये सारे इनके जो है कंज्यूमर्स है, जो लोग ये यूज करते हैं। एंड आपकी जो कंपनी है वो है अल्टा प्योरिटी। ओके, ठीक है। सो इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। सो मेरे साथ यहाँ पे सर है। सर, योर गुड नेम? माई नेम इज जेपी वर्मा, आई एम हेड मार्केटिंग त्रिमूर्ति ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। वी मेक द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, पेपर पैकेजिंग एज वेल एज आईएमएल कंटेनर। अच्छा, तो सर एनी काइंड ऑफ पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर को, कंज्यूमर को, कुछ भी, तो आप वो डील करते हो उसमें? यस, राइट। यस, तो कुछ भी गाइस अगर आपको डील करना हो, लाइक छोटे से छोटे पैकिंग से लेके बड़े से बड़े पैकिंग तक, अगर आपको ह्यूज रेंज देखनी हो इनकी, सारी आपको मिल जाएगी। बहुत ही बड़े बड़े ह्यूज प्लांट्स होते हैं ना, उनका जो है छोटा वाला डेमो वर्जन यहाँ पे लगाया हुआ है। ये है इंस्टेंट कॉफी प्लांट, जो बड़े ह्यूज वाली मशीन से आप देखते होगे ना, वो उसका जो मेन बेसिक प्लांट है जो छोटे वर्जन में, वो यहाँ पर लगाया गया है। दिस इज अ प्रोसेसिंग प्लांट, और ये पूरा प्रोसेसिंग कैसे करा जाता है ये यहाँ पे आप देख सकते हो। सर, ये SSP की जो मशीन्स हैं उसका है प्लांट। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बहुत सारी अद्भुत जानकारी के साथ, यूनिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।